अस्सलामुअलैकुम। क्लास टू इस्लामियात के लिए जो हमारा पहला मौजू है वो है ताउस। सबसे पहले हम ताउस को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं पनाह मांगता हूँ साथ अल्लाह के शैतान मर्दूद से। प्यारे बच्चों, आप रोज़ ही दिन में कई बार ताऊस पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ताऊस क्यों पढ़ा जाता है? ये इसलिए पढ़ा जाता है कि जब भी हम कोई नेकी का काम या कोई अच्छा काम करें तो शैतान हमसे दूर हो जाए और हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। मतलब अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में ले ले और शैतान के शर से बचा ले। शर से मुराद बुराइयां हैं, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई नेकी का काम करने बैठते हैं तो शैतान हमें बहकाता है। वो ये चाहता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, लेकिन ताउस पढ़कर हम अपने आप को शैतान की साजिशों से महफूज कर लेते हैं और अल्लाह ताला शैतान की साजिशों से हमें बचाकर हमें अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि हम ताउस पढ़ते क्यों हैं। हम ताउस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम शैतान की साजिशों से, शैतान की बुराइयों से महफूज हो जाएं और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में, अपनी अमान में ले ले। ये लेक्चर सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आपको ताउस का तर्जुमा और उसको पढ़ने की वजह समझ में आ गई होगी। इसके मुतालिक मश्क आपको दी जा रही है, उसे हल करें और काम मुकम्मल करें। शुक्रिया। वालेकुम। क्लास टू इस्लामियात के लिए जो हमारा दूसरा मौजू है वो है तस्मिया। सबसे पहले हम तस्मिया को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, आप ये बात जान गए हैं कि तस्मिया किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। हम जब भी कोई नेकी का काम या कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो ताउस पढ़ने के बाद तस्मिया पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ताउस पढ़ने से शैतान हमसे दूर हो जाता है और जब हम तस्मिया पढ़ते हैं तो हम अपने काम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि वो बहुत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। हम जब भी कोई काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत अता फरमाते हैं और हमारा हर काम बेहतरीन तरीके से पाए तकमील तक पहुंच जाता है। यानी ताउस पढ़कर हम शैतान से पनाह मांगते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपने हर काम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और यकीनन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। इसके मुतालिक काम आपको सफ़ा नंबर 2 पर मुकम्मल करना है। इस लेक्चर को सुने और किताब का सफ़ा नंबर 2 मुकम्मल करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 2 के लिए जो हमारा तीसरा मौजू है वो है इल्म में इजाफे की दुआ। सबसे पहले हम इस दुआ को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस दुआ को पढ़कर हम अल्लाह ताला से अपने इल्म में इजाफ़ा मांगते हैं। यानी हम ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म को महदूद ना रखे। महदूद का मतलब
कि एक हद तक ना रखे, बल्कि अपने फजल और करम से इसमें इजाफा करता रहे, यानी कि ये हमेशा बढ़ता रहे, कहीं रुके नहीं। और हमारी इल्म में इजाफे की तलब कभी ख़त्म ना हो, और हमें ऐसा इल्म मिलता रहे जो हमारे लिए नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद हो। प्यारे बच्चों, इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इल्म हासिल करने, मज़ीद जानने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम इल्म की दौलत से मालामाल हो सकें। इसके मुतालिक काम सफ़ा नंबर 4 पर आपकी किताब में मौजूद है। इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और किताब का सफ़ा नंबर 4 मुकम्मल करें। शुक्रिया।